वैष्णो देवी में अब दिन में सिर्फ 50,000 यात्री ही माता के दर्शन कर पाएंगे। दरअसल एनजीटी ने वैष्णो देवी में प्रदूषण के लेवल को देखते हुए यात्रियों की तादाद सीमित कर दी है। एनजीटी ने कहा है कि वैष्णो देवी के दर्शन के लिए एक दिन में सिर्फ 50,000 यात्री ही वहां जा पाएंगे, इसके बाद लोगों को कटरा या अर्धकुमारी में रोक दिया जाएगा। साथ ही एनजीटी ने वैष्णो देवी मंदिर के पास नए निर्माण पर भी रोक लगा दी है, साथ ही ओपन पार्किंग पर भी रोक लगा दी गई है। यही नहीं, एनजीटी ने वैष्णो देवी के रास्ते में गंदगी फैलाने वालों पर 2,000 रुपए का जुर्माना लगाने का निर्देश भी दे दिया है। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को लेकर एनजीटी ने 2-3 इम्पोर्टेंट डायरेक्शन दी हैं। उसमें पहली डायरेक्शन तो ये है कि जो एक नया पाथ बनाया गया है, कोर्ट का कहना है कि लगभग 40 करोड़ रुपए की लागत से वो पाथ बना है, तो वो पब्लिक के लिए खोल दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने कही है कि वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड पे भवन तक पर डे 50,000 यात्री से ज़्यादा दर्शन के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि उससे वहाँ पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर 50,000 से ज़्यादा यात्री हैं तो उनको या तो कटरा पे और या फिर अधक्वारी पे रोक दिया जाएगा। कि कटरा बस स्टैंड के ऊपर कोई पार्किंग वगैरह नहीं होगी और वहाँ पे साफ सफाई का खास ख्याल रखा जाएगा। जो भी वहाँ पे गंदगी या कचरा फैलाता है तो उसके ऊपर 2,000 रुपये जुर्माना होगा।